देश में कोरोना के खिलाफ जंग अभी जारी है। इस जंग के सारथी बने हैं स्वास्थ्य कर्मी, जो कोरोना टीकाकरण की धार को तेज करने में जुटे हुए हैं। आपको दिखाते हैं बिहार से आई एक ऐसी तस्वीर जो बता रही है कि ये स्वास्थ्य कर्मी किस तरह कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। बीच नदी में चलती नाव, नाव में सवार दिख रहे कुछ लोग, लेकिन ना तो ये नाव आम है और ना ही इस नाव में सवार लोग। नाव में लगे एक बैनर में लिखा है टीका वाली नाव। देखिए किस तरह सेफ्टी जैकेट पहनकर ये स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण करने के लिए निकले हैं। ये तस्वीर कुदरत के खिलाफ इंसान के हौसले की कहानी भी कह रही है। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला बाढ़ की मार झेल रहा है। प्रकृति के इस कहर का कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान पर असर ना पड़े, इसलिए नाव पर ही क्लिनिक बना दिया गया। इस नाव क्लिनिक के जरिए औराई, कटरा, गायघाट और दूसरी जगहों पर टीकाकरण किया जा रहा है। आ चुका है और उसके लिए विशेष तैयारियां भी की गई हैं। मोटर बोट्स हैं, वैक्सीनेटिंग टीम है, हमारे डॉक्टर्स हैं, सारे सेशन साइज बढ़ा दिए गए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसमें और सॉर्ट आउट कर रही है कि कहाँ कहाँ कितने टीम की जरूरत पड़ेगी। बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों के लिए ये बहुत सुकून की बात है। हो भी क्यों ना, कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए इस वक्त वैक्सीन से बढ़कर कोई हथियार नहीं है। ऐसे में कोरोना से सीधी टक्कर ले रही स्वास्थ्य विभाग टीम की तरफ से उठाया गया ये कदम वाकई तारीफ के काबिल है। ABP News आपको रखे आगे।